अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए चिकन चीज़ समोसा, जो बहुत ही डिलीशियस है। तो चलिए देखते हैं हम इसे कैसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने जो है 300 ग्राम चिकन का कीमा ले लिया है, और एक कढ़ाई में मैं 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल डालती हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, मैंने इसके अंदर 1/2 टीस्पून खड़ा ज़ीरा डाल दिया और 4 से 5 हरी मिर्च को चॉप करके डाल दिया। और अभी मैं इसके अंदर डालती हूँ 1 कप भर करके चॉप में कटी हुई प्याज। एक बड़ी प्याज ले लें। प्याज को हमें ब्राउन नहीं होने देना है, लाल नहीं करना है, बस ट्रांसलूशन कलर तक ही इसको जो है रखना है। अभी मैं इसके अंदर 1/4 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, ताकि प्याज जो है वो अपना पानी रिलीज़ करे और जल्दी से कुक हो जाए। अब मैं इसके अंदर डालती हूँ 1 टेबल स्पून भर करके अदरक और लहसुन की पेस्ट, और अब जो चिकन का कीमा है ये हम डाल देंगे इसके अंदर, और जल्दी जल्दी स्टर करेंगे, क्योंकि चिकन के अंदर बहुत जल्दी लम्स आ जाते हैं, गट्टे बन जाते हैं, तो इसे छुड़ाना बहुत ज़रूरी है आपको। ये देखिए, और 2 से 3 मिनट हम इसको भूनेंगे ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। और अब हम स्पाइसेस डालेंगे इसके अंदर। तो ये मैंने 1/2 टीस्पून जो है धनिया पाउडर डाला, और थोड़ी सी हल्दी, और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1/2 टीस्पून क्रश रेड चिल्ली कुटी हुई लाल मिर्च, और 1/2 टीस्पून मैंने डाला इसके अंदर काली मिर्च, वो भी फ्रेश कुटी हुई थी। और अभी मैं डालती हूँ इसके अंदर 1 कप चॉप की हुई गाजर, और 1/2 कप जो है ये फ्रेंच बीन है चॉप की हुई। थोड़ा सॉल्ट हम और डाल देते हैं, और ये है 1/2 कप चॉप में कटी हुई शिमला। 1/2 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर डाल दिया अभी, और 1/2 टीस्पून ओरिगानो। 3 टेबल स्पून भर करके मैंने इसके अंदर डाला सिराशा सॉस, और अब मैं एंड में डालूंगी इसके अंदर गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। 1 मिनट के लिए हम इसे और कुक करेंगे, इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और अभी एंड में मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टेबल स्पून जो है फ्लावर को, मैदे को मैंने पानी में घोल करके इसके अंदर डाल दिया है। इससे जो है ये सारी वेजिटेबल और जो चिकन का कीमा है ये बाइंड कर लेगा, तो समोसा जो है वो खाते हुए गिरेगा नहीं। मैंने इसको एक बॉल में निकाल लिया, ठंडा किया, और उसके अंदर 1 कप भर करके मैंने ग्रेटेड चीज़ डाल दिया। इसमें 2 तरह की चीज़ है, प्रोसेस और मोज़रेला, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप एक रखना चाहते हैं तो आप एक रख लें। अभी हम सेलरी बनाते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने लिया फ्लावर, और पानी डाल करके हम इसको घोल लेते हैं। तो ये देखिए जो है ये रेडी हो चुका है गाइस, इसको हम साइड में करते हैं। और ये है हमारे पास में समोसों की पट्टियाँ। तो इसे प्रॉपर तरीके से किस तरह जो है वो फोल्ड करते हैं ये देखिए, आपको क्लियर यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ। तो इसमें हम फिल करेंगे, और ये साइड में जो हमने सेलरी बनाया है ये लगा देंगे, ये समोसों को जो है वो चिपकाने में हेल्प करते हैं। ये देखिए तैयार हो गया, दूसरा बनाते हैं। ये देखिए, एक बार फोल्ड करेंगे, अंदर फिलिंग जो है वो डालेंगे। अभी आपकी मर्ज़ी, यहाँ पर आप चाहें तो एक बड़ा जो है वो मोज़रेला का क्यूब अंदर इन डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, जब आप समोसा जो है वो तोड़ेंगे तो उसके अंदर एक श्रेड आएगा, जो बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है। तो आप देख लें आप कैसा पसंद करते हैं। ये देखिए, 2 हमने रेडी कर लिया है, एक और बना देते हैं गाइस। ये अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा हाथ में, तो आप प्लेटफॉर्म को साफ़ करके उस पर रख करके आप इसको जो है थोड़ा सा सहारा ले सकते हैं। अभी हमने इसको भी फोल्ड कर दिया। चलिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है, और हमने सारे समोसों को जो है वो फोल्ड कर लिया है। ये देखिए, ऑयल को बहुत ज़्यादा हीट मत कर दीजिएगा, वरना समोसा अंदर जाते ही जो है ये फौरन से लाल हो जाएंगे, तो फिर ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे, तो इसलिए इसका ख्याल रखिएगा। अभी हम डाल देते हैं ऑयल के अंदर, और लो टू मीडियम फ्लेम पर जो है वो हम इसको फ्राई करेंगे। ये देखिए, कलर आ चुके हैं, धीरे धीरे कलर आने दें इसके ऊपर। और अब हम इसे निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पे, और प्लेटर में लगा देते हैं। इसको हम हरी चटनी के साथ में या फिर केचप के साथ में सर्व करेंगे गाइस। तो लीजिए, ये हमारे चीज़ समोसा जो है वो चिकन के बन करके तैयार हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और इसे अपनी फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।